दोस्तों क्या आपको पता है अगर ट्रेन के सामने कुछ आ जाए तो ट्रेन के लोको पायलट इमरजेंसी ब्रेक क्यों नहीं लगाते, आइए जानते हैं। दरअसल अगर ट्रेन में 20 से 25 डब्बे लगे हुए हैं और वह 100 किलोमीटर पर आवर तेज रफ्तार जा रही है, तब इस केस में इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई करने का दूरी कम से कम 800 मीटर होनी चाहिए। अगर गाड़ी पूरी तरह से लोडेड है और वो 80 किलोमीटर पर आवर रफ्तार से जा रही है, तब इस केस में इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई करने का मिनिमम डिस्टेंस 1 किलोमीटर होना चाहिए और इतनी दूरी से सामने किसी चीज को देखना काफी मुश्किल होता है, इसलिए लोको पायलट सामने किसी चीज को देखता है तो वो बहुत कम दूरी पर होता है और अगर ऐसे में वो जोर से ब्रेक कर दे तो पीछे बैठे हुए लोगों को बहुत जोर से झटका महसूस होगा और हो सकता है कि ट्रेन के पीछे के डब्बे ट्रैक से ही उतर जाए और यही वजह है कि लोको पायलट कभी भी इमरजेंसी ब्रेक नहीं लगाने का।